पढ़ेंगे वो होगा स्टैटिस्टिक्स तो पहले हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू लेते हैं उसमें क्या क्या चैप्टर्स आते हैं वो ले लेते हैं एंड इन चैप्टर्स की वेटेज क्या रहेगी वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम इन क्लासेस में क्या पैटर्न फॉलो करेंगे कैसे हम नोट्स बनाएंगे कैसे हम पढ़ेंगे हम प्रैक्टिकल कैसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आइए हम चैप्टर्स का एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं जिसमें मैं आपको एक वेटेज बता दूंगी कि कौन से चैप्टर्स कितने मार्क्स कैरी करते हैं और आपको इन पर कितना फोकस करना होगा तो हम आपकी बुक से स्टार्ट करते हैं तो आपकी बुक में चैप्टर नंबर जो है चैप्टर नंबर वन टू थ्री एंड फोर ये सारे मोस्टली मेरे थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं जिनमें मैं डिस्कस करती हूँ स्टैटिस्टिक्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि हाउ टू कलेक्ट द डेटा हाउ टू प्रेजेंट द डेटा हाउ टू एनालाइज द डेटा सो एक ये ब्रीफ डिस्कशन इन्वॉल्व करेंगे हमारा जिसमें थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है एंड इन चारों चैप्टर्स की वेटेज जैसे कि आप देख रहे होंगे होगी थर्टीन मार्क्स सो so, आपका स्टैटिस्टिक्स ओवरऑल 40 मार्क्स कैरी कर रहा है जिसमें से 13 मार्क के फर्स्ट फोर चैप्टर्स हैं एंड लेट मी टेल यू गाइस दैट दिस इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड आप इसमें टोटल 40 ऑन 40 बहुत आराम से ला सकते हैं ऑल यू हैव टू डू इज फोकस इन क्लास डू योर प्रैक्टिकल्स एट होम जो मैं आपको होमवर्क देती हूँ या लर्न करने को देती हूँ उसको बहुत सिंसियरली करेंगे तो आपको एग्जाम टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो नेक्स्ट हमारे जो चैप्टर्स हैं चैप्टर फाइव चैप्टर सिक्स चैप्टर सेवन चैप्टर एट एंड चैप्टर नाइन ये जो पांचों चैप्टर्स हैं ये मेरे मोस्टली प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनका एक एनालिसिस देखेंगे एंड ये स्टैट्स का मेजर फॉर्म पार्ट करते हैं एंड दैट इज वाई इनकी वेटेज होगी ट्वेंटी मार्क्स तो ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स आजा सब्जेक्ट आपका 40 मार्क्स कैरी करेगा एंड ये बहुत इजी सब्जेक्ट है आप बस क्लास में फोकस करिएगा नोट्स को राइट डाउन कर लीजिएगा प्रॉपरली एक रजिस्टर मेंटेन करिएगा बिकॉज मैंने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं वो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं एंड मैं आपको दिखाऊंगी साथ साथ पढ़ाऊंगी तो आप बीच में वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड उन नोट्स को लिख सकते हैं तो या तो आप नोट्स को पहले नोट डाउन कर लीजिएगा एंड फिर ये क्लास को सुनिएगा या फिर पहले मुझे सुन लीजिएगा और फिर नोट्स को नोट no, डाउन कर लीजिएगा तो हम आज की क्लास में अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि होगा इंट्रोडक्शन तो आप लोगों ने पहले भी अभी इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपको ओवरऑल इकोनॉमिक्स पता होगी क्या होगी बट जो हम आज पढ़ेंगे वो होगी इकोनॉमिक्स की फोर डेफिनेशंस। हमारे जो मेन टॉपिक होता है दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स पे मूव करेंगे दैट व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स उसकी इम्पोर्टेंस क्या है उसके फंक्शंस क्या हैं उसकी डेफिनेशन क्या हैं तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं अपनी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से कि इकोनॉमिक्स क्या होती है सो so पहला टॉपिक जो हम ले रहे हैं दैट इज मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स

तो हम पहली डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं जो कि हमारी होती है वेल्थ डेफिनेशन सो वेल्थ डेफिनेशन वॉज गिवन बाय प्रोफेसर एडम स्मिथ सो एडम स्मिथ यूज टू दैट इकोनॉमिक्स इज बेसिकली द साइंस ऑफ वेल्थ अब जनरल टर्म्स में हम वेल्थ क्या कहते हैं व्हाट इज वेल्थ हमें लगता है वेल्थ इज़ मनी, जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो वेल्थ का मतलब क्या होता है वो गुड्स जो वॉन्ट्स को सैटिस्फाई कर रहे हैं सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स वॉज अ स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ इन इकोनॉमिक्स Adam Smith was concerned with the wealth getting and wealth utilizing activity of people. He was interested in studying the ways by which the wealth of a nation could be increased. तो हमारी ये डेफिनेशन थी बाय प्रोफेसर एडम स्मिथ वे ही यूज टू से दैट इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ ही वाज इंटरेस्टेड कि वेल्थ अराइज कैसे हो रही है वेल्थ क्रिएट कैसे हो रही है और ये वेल्थ यूटिलाइज कैसे हो रही है उनके हिसाब से एक नेशन की जो टू तो ओवरऑल वेल्थ इंक्रीज होती है उसकी स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं सो नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड डेफिनेशन दैट इज द वेलफेयर डेफिनेशन सो वेलफेयर डेफिनेशन वॉज गिवन बाई प्रोफेसर Marshall. Professor Marshall used to say that economics is a study of man in the ordinary business of life. It inquires how he gets his income and how he uses it. So, it is the study of wealth on one side and study of man on the other side. So, according to Professor Alfred, economics was basically the study of man and the study of wealth. ियसली तो अब जहाँ पे स्टडी ऑफ मैन आ जाता है वहाँ पे हम इस डेफिनेशन से डेफिनेशन पे ले जाते हैं सो अकॉर्डिंग टू हिमस दिफ्टेड फ्रॉम वेल्थ टू वेल्फेयर सो ही वॉज बेसिकलीप बिटवीन द स्टडी ऑफ मैन एंड द स्टडी ऑफ वेल्थ सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टूवर्ड्स दर्ड डेफिनेशन विच इज अर्सिटी सो स्केरसिटी डेफिनेशन वॉज गिवन बाय प्रोफेसर रॉबिन्स अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिस इकोनॉमिक्स इज बेसिकली द साइंस विद स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड द स्केयर्स मींस विच हैव अल्टरनेट यूजेस रिलेशनशिप बिटवीन द एंड्स से हमारा मतलब क्या है कि जो हमारी पर्पज है हमारी बॉन्स हैं और जो रिसोर्स हैं उन दोनों को हम कैसे बैलेंस आउट करेंगे सो स्केरसिटी डेफिनेशन का बेसिक फोकस जो था वो किस वर्ड पे था हमारा स्केयरसिटी अब हम पहले समझते हैं स्केयरसिटी का मतलब क्या होता है आप लोगों को जनरल टर्म्स में पता होगा स्केयरसिटी मतलब किसी चीज की कमी जो चीज जो रिसोर्सेस कंप्लीटली अवेलेबल नहीं है हमारी वॉन्ट्स को सो so, स्केरसिटी के तीन फीचर्स होते हैं हमारा पहला फीचर होता है अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स नाउ द ह्यूमन आर अनलिमिटेड सपोज करिए कि आपको थाउजेंड रुपीज़ पॉकेट मनी मिलती है बट जो आपकी वॉन्ट्स हैं आपको सपोज वीडियो गेम्स भी खेलनी है आपको नेटफ्लिक्स भी यूज करना है आपको शॉपिंग भी जाना है आपको फ्रेंड्स के साथ भी जाना है सो तो आपका एक्सपेंडिचर जो है उस थाउजेंड से बहुत ऊपर चला जाएगा बट आपके पास रिसोर्स कितना है थाउजेंड सो बेसिकली यू हैव अनलिमिटेड वॉन्ट्स बट द रिसोर्स आर स्कैड बट द पॉकेट मनी अमाउंट इज लिमिटेड सो वी हैव अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्स There is scarcity of resources, and the resources have alternate uses. So, scarcity has three characteristics which you guys always have to remember. The first one being the unlimited human wants, second one being the scarce resources, and third one being the alternate use of these scarce resources so according to robbins economics was the study of these scarce resources and how these scarce resources are to be utilized in the best possible manner so according to robbins economics deals with how the scarce resources of the society would be allocated to the satisfaction ऑफ डिफरेंट वर्ड्स अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा जब मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो आपकी स्क्रीन्स पे जो भी टॉपिक आता है और मैं उसे पढ़ाती हूँ और अंडरलाइन करती हूँ आप वहाँ पे पॉज करो और अपने नोट्स को राइट डाउन कर लो अगर आप सोचेंगे क्लास के एंड में आप सब कुछ लिखेंगे तो आप वो नहीं कर पाएंगे साइमल्टेनियसली सुनते जाओ और साथ साथ लिखते जाओ या पहले आप नोट्स बना कर लिख लो और फिर मेरी क्लास को सुन लो सो स्केट डेफिनेशन हमारे यहाँ पे खत्म होती है जो बेसिकली कहती है दैट इकोनॉमिक डील्स विद हाउ द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी वुड बी एलोकेटेड टू दैट्सफैक्शन ऑफ डिफरेंट अब मेरी लास्ट डेफिनेशन आती है जो कि ग्रोथ डेफिनेशन है सो ग्रोथ डेफिनेशन ने बेसिकली ऊपर के तीनों डेफिनेशन को तीनों एलिमेंट्स को एक्यूमुलेट कर दिया और एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन बना दी जो कि मोस्टली यूज होती है So, growth definition was given by Professor Samuelson. According to him, economics is the study of how man and society choose, with or without the use of money, to employ scarce productive resources which could have alternate uses. टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट दैम फोर कंजम्पन नाउ एंड इन फ्यूचर अमंग द वेरियस पीपल एंड सोसाइटी तो ये बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन होगी जब भी आपको कोई डेफिनेशन बहुत कॉम्प्रेंसिव लगे बहुत बड़ी लगे तो आप हमेशा ट्राई करिएगा कि आप उस डेफिनेशन को पार्ट्स में ब्रेक कर दें कोई भी पॉइंट हो जो आपको बहुत कॉम्प्रहेंसिव लग रहा है उसको पार्ट्स में ब्रेक कर करके पढ़िए उसके पार्ट्स में बुलेट्स बना लीजिए वो आपको ईजी टू तो रिमेंबर होंगे बहुत So, according to him, economics is what? It is the study of how man and society choose. He kaise man and a group of people they choose with or without the use of money the productive use, which means the most beneficial use of the scarce resources that are available in the society. So, how man and society choose with or without the use of money to employ प्रोडक्टिव रिसोर्स विच कुड हैव ऑल्टरनेट यूजेस तो अब हमने पहले भी ऊपर पढ़ा था कि हमारे ऑल्टरनेट यूजेज हो सकते हैं ज़रूरी नहीं एक रिसोर्स जो है वो एक ही काम आएगा सो इट मे हैव समरनेट यूज विच कोड हैस कमोडिटीज ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट दैम फॉर कंजम्पन नाव एंड इन फ्यूचर सो जनरली so आपकी ये डेफिनेशन जो है ये यूज होती है इकोनॉमिक्स के लिए बटफेसर एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो आप एग्जाम में हमेशा अपनी वेल्थ डेफिनेशन लिखिएगा एंड साथ में आप ये वाली डेफिनेशन भी मैंशन कर सकते हैं सो so ये हमारी थी एक ब्रीफ बहुत ही द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स हमने इसमें चार डेफिनेशन पढ़ी फर्स्ट वन वेल्थ डेफिनेशन सेकेंड वेलफेयर डेफिनेशन थर्ड स्केरसिटी डेफिनेशन एंड फोर्थ बीइंग द ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन मैं बीच बीच में आपको पुराने टॉपिक्स रिवाइज कराती रहूंगी एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप घर बैठे बैठे जब मैं ये टॉपिक्स को बोल रही हूँ मैं आपके लिए बहुत स्लो पेस पे बोल रही हूँ आप इनको मेरे साथ रिपीट करते रहिएगा जब मैं यहाँ पर आपको रिपीट करा रही हूँ आप भी उधर अपनी फिंगर्स पे उन पॉइंट्स को बार बार रिपीट करेंगे तो आपको क्लास इटसेल्फ में ही अपनी थ्योरी लर्न हो जाएगी एंड घर जाके आपका ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा सो so हम हमारे टॉपिक टू पे मूव करते हैं अब व्हिच बेसिकली टॉक्स अबाउट द वर्ड स्कर्सिटी हम कहते हैं कि स्कर्सिटी इज द रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों क्योंकि अगर स्केयरसिटी होती नहीं अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हमें स्टडी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज इंप्लॉय कैसे किए जाएं तो आप समझ रहे हैं अगर स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता देन यू यू बी सिटिंग हियर एंड इकोनॉमिक्स बिकॉज वी वुड हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज एंड वी कुड हैव यूज इट फॉर ऑल पॉसिबल वॉन्ट्स दैट वी वॉन्ट बेसिकली वी वॉन्ट देम टू बी फुलफिल्ड सो स्केरसिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सो स्केरसिटी इज अ सिचुएशन वेयर रिसोर्सेज आर नॉट इनाफ़ टू सैटिस्फाई ऑल द वॉन्ट्स ऑफ पीपल इट इज़ परवेसिव का मतलब क्या होता है जो हर जगह प्रिवेल कर रही है मतलब कि हर एरिया में स्केयरसिटी है कि ओवरऑल जो है हम स्केरसिटी ऑफ रिसोर्सेज हर एरिया में ऑब्जर्व करते हैं एंड इज अ फैक्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन द होल वर्ल्ड Scarcity of resources is the basic reason for existence of economic problem in all economies. There would have been no economic problem if the resources were not स्केर्य सो स्केरसिटी नहीं होती तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होती स्केयर जो होती है वो हर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में uh, होती है एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ आपके पास ही स्केय रिसोर्सेज हो हर एक के पास कोई ना कोई रिसोर्स जो होगा वो स्केयर होगा चाहे वो कितना भी रिच है चाहे वो कितना भी रिसोर्सफुल है बट ऐसे कुछ रिसोर्सेज होंगे जिसकी स्केयरसिटी उसको हमेशा होगी सो वाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं द मेन रीजन फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज स्केरसिटी in other words, human wants are greater than the available resources, so there's a need to allocate these scarce resources for the satisfaction of never-ending human wants. hence, economics is concerned with the selection of resources under the condition of scarcity. again, the same thing. we are studying economics because of scarcity of resources. we are studying economics because we want to allocate these scarce resources to the best possible use. तो so, so, ये टॉपिक आप लोग वीडियो पॉज करके फटाफट नोट डाउन कर सकते हैं कमिंग टू अ नेक्स्ट टॉपिक फॉर इकोनॉमिक्स दैट इज टॉपिक नंबर थ्री सो अब इसमें आपको दो एक्टिविटीज़ के बीच में बाइफर्केशन बहुत इंपॉर्टेंट है करनी पहली एक्टिविटी है मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड दी नेक्स्ट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इनमें बाइफर्केशन करनी मेरे को क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं जब भी इकोनॉमिक्स की बात करूंगी यहाँ पे तो मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करूंगी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को मैं इग्नोर कर दूंगी ऐसा क्यों होता है अब हम ये पढ़ते हैं सो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या है हमारी इकोनॉमिक्स से आपको मतलब पता है इकोनॉमिक्स अभी हमने पीछे भी पढ़ी मतलब मनी मनी मतलब क्रिएशन ऑफ गुड्स मतलब क्रिएशन ऑफ सर्विस सो इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर टू दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग दैट इज दीज एक्टिविटीज आर कैरिड आउट फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग दीज एक्टिविटीज आर बेसिकली क्रिएटिंग समर्ट ऑफ वेल्थ इन द नेशन So, for example, worker working in a factory, shopkeeper selling goods in a shop, teacher teaching in a school. So, all these are economic activities. They may be in the form of production of goods, or they may be in the form of provision of service, or they may be in some other form that involves earning a living, that involves creation of wealth. So, economic activities are activities which are basically undertaken to earn a living. Okay? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज़ बेसिकली कंसर्न विथ थ्री पार्ट्स सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स द फर्स्ट वन बींग प्रोडक्शन द सेकेंड वन बींग कंजम्पशन एंड द थर्ड वन बींग डिस्ट्रीब्यूशन अब प्रोडक्शन टर्म आपने बहुत बार सुनी होगी और आपको मतलब भी पता होगा बट हम फिर भी इसको एक बार फटाफट फ़ड़ रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके पुराने कॉन्सेप्ट जो है वो रिफ्रेश हो जाएँ सो बेसिकली प्रोडक्शन क्या होता है इट रेफर्स टू ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम एंड सैटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स सो वो सारी एक्टिविटीज जो हम कंडक्ट करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम एंड जनरेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसिज विच बेसिकलीटिसफाई द ह्यूमन वॉन्ट्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज इट इज दोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लैंड लेबर कैपिटल एंड ऑनप्रेन्योर तो कभी भी अपने चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मत भूलेगा ये आप लोगों ने अपनी अर्लियर क्लासेस में भी, भी किया है फिर भी हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं सो फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड लेबर कैपिटल एंड ऑन्ट्रेन्योर तो ये चार हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं सो वॉट इज प्रोडक्शन इट इज बेसिकली कन्वर्जन ऑफ रॉ मटीरियल इन टू फिनिश गुड यूजिंग द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लैंड लेबर कैपिटल एंड ऑन्ट्रेन्योर तो ये आपको प्रोडक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई दैट इट इज बेसिकली अंडर टेकन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस विच सैटिस्फाई द ह्यूमन बॉन्ड नेक्स्ट डेफिनेशन पे अब हम आते हैं जो कि हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है अब मेरी को एक बात बताइए जब गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स तो उसका दूसरा एंड क्या होगा उनकी कंजम्पशन सो so जब गुड्स प्रोडक्शन में जा रहे हैं वो बन गए उसके बाद वो गुड्स कंज्यूम होंगे सो कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच डील्स विद द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ

अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिएगा जस्ट राइट इट इन अ वेरी नीट हैंड राइटिंग बिकॉज ये आपके फाइनल नोट्स होंगे जो आप एग्जाम से पहले पढ़ के जाएंगे एंड सेल्फ रिटन नोट्स का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपको जो है अपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से रिटेन हो जाते हैं एंड जब आप उन्हें लिखते हैं तो लिखते लिखते आप उसको दूसरी बार समझ रहे होते हैं सो थर्ड एलिमेंट पे अब हम आते हैं हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के जो कि बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन की सो डिस्ट्रीब्यूशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच स्टडीज हाउ इनकम जेनरेटेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सो बेसिकली जब गुड्स प्रोड्यूस हुए उसके बाद कंज्यूम हुए तो जब भी आप जाते हैं तो आप गुड्स जो कंज्यूम करते हैं या सर्विसेज जो अवेल करते हैं उनके बदले यू गिव आउट सम मनी सो अब वो बात करते हैं कि जो इनकम मेरी जनरेट हुई

Profit. So it's basically the distribution of income that is generated among the four factors of production in the form of what? In the form of rent, wages, interest, and profit. So these were the three elements of economic activity. Economic activity. We these are activities which are undertaken to earn money. Economic activity has three most important elements that are production, consumption, and distribution. मूविंग नेक्स्ट वी कम टू नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ा बिल्कुल उसका ऑपोजिट सोचिए द एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन नॉट टू अर्न अ लिविंग ये एक्टिविटीज़ जो कंडक्ट होती हैं दीज आर नॉट फॉर द पर्पज ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम दीज एक्टिविटीज़ आर जनरली आउट ऑफ लव सिंपती और सम इमोशन और लाइक टू हेल्प आउट सम अदर पर्सन सो यू कंडक्ट दीज एक्टिविटीज़ So, activities which are not concerned with the creation of money or wealth are non economic activities. They are inspired by the sentiments.

कोई टीचर स्कूल में पढ़ाती है

तो ये आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स पे था अब हम अपनी नेक्स्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन पे चलेंगे जो कि हमारी बात करती है स्टैटिस्टिक्स की उसको पढ़ने से पहले आपको एक दो टर्म्स देखनी पड़ेंगी जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए एंड ये काफी रेपिटेशन पे जाएंगे आगे जाके सो so, हमारी टर्म है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल क्वांटिटी से आप क्या मतलब समझते हैं क्वांटिटी मतलब समथिंग दैट्स मेजरेबल So quantitative variable the variable which can be expressed in numerical term okay so these variables can be measured they can be expressed in numbers for example the marks of a student the height of a person the weight of a person all these things can be measured we can express them in terms of centimeters or kgs or liters or something so all these variables which can be expressed in terms of numbers are called quantitative variables सेकेंड क्वालिटेटिव वेरिएबल क्वालिटी से आपको क्या मतलब होता है क्वालिटी मतलब किसी के अगर हम ट्रेड्स को डिफाइन कर रहे हो किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहे हो तो क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स हम नंबर के टर्म में डिफाइन करते हैं वी डोंट से ही इज इंटेलिजेंट फाइव वॉट डू मीन बाय दैट सो नो यू कैन नॉट एक्सप्रेस क्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ नंबर्स सो वेरिएबल्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स आर नोन एज क्वालिटेटिव वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी इज़ देर सम मेजरमेंट इज़ देर लाइक इज़ देर सम क्वान्टिटेटिव टर्म विच वी कैन यूज़ टू मेजर ऑनिस्टी नो सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ क्वालिटेटिव वेरिएबल ब्यूटी इंटेलिजेंस एक्सेट्रा दीज वेरिएबल्स केन नॉट बी एक्सप्रेसड इन नंबर्स सो जब हमारे वेरिएबल्स क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं देन हम उनको हमारे स्टैटिस्टिक्स उनको हमारे इकोनॉमिक्स में इंक्लूड नहीं कर सकते बट अगर हम इन क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट कर दें तो हम इनको इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स स्टडी करने में इंक्लूड कर सकते हैं कैसे क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन आर नॉट स्टैटिस्टिक्स अनलेस दे आर असाइंड न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट सो दे कैन बी रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देर क्वालिटी

तो आपको ये दोनों टर्म समझ आ गई क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए अब हम हमारे स्टैटिस्टिक्स के मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारी इंट्रोडक्शन देता है स्टैटिस्टिक्स को तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड वट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स आपको पता है एज अ होल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है यू जस्ट नो ए वेरी वेगली दैट इट्स बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा एंड देन यू एनालाइज दैट डेटा आपने पहले का भी मीन मीडियम मोड पड़ा होगा तो आपको ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स वैसे पता है तो अब जैसे जनरल लाइफ में सपोज आप क्रिकेट फैन हैं तो आप देखते हैं कि वो विराट कोहली ने लास्ट दो मैचेस में ही इज बीन मेकिंग गुड रन वो 80 बना रहा है 90 बना रहा है एंड देन आप एक प्रोडिक्शन लेते हैं कि अच्छा इस मैच में वो कितने बनाएगा सो so बेसिकली आपने डेटा एनालाइज किया उसके पास्ट मैचेस की परफॉर्मेंस देखी एंड आप फ्यूचर मैच का प्रोडिक्शन कर रहे हैं सो दिस इज ऑल्सो स्टैटिस्टिक्स वेदर डिपार्टमेंट जो होता है वो क्या करते हैं वो पिछले फिफ्टीन डेज का हमारा वेदर ऑब्जर्व करता है अच्छा मैक्सिमम इतना जा रहा है मिनिमम इतना जा रहा है रेनफॉल किस डे हो रही है लास्ट

और जब हम सिंगुलर सेंस में बात करते हैं तो हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स हम कहते हैं द मेथड ऑफ डीलिंग विद इंफॉर्मेशन इज सो इन प्लूरल सेंस वी से दैट ऑल द डेटा मैथड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस वी से दैट द मेथड ऑफ डीलिंग विद दिस डेटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं तो so पहले हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स एज ए न्यूमेरिकल सेट ऑफ डेटा विच इज माय प्लूरल डेफिनेशन तो ये जब मैं आपको पॉइंट्स पढ़ाऊंगी आप इनके की पॉइंट्स को कंबाइन करके स्टैटिस्टिक्स एंड प्लूरल डेफिनेशन भी बना सकते हो एंड अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए तो आप इनको स्प्लिट करके उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी दे सकते हो तो स्टैटिस्टिक्स एज ए न्यूमेरिकल सेट ऑफ डेटा जब हम प्लूरल की बात करते हैं याद रखिएगा कि द सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स तो इट इज बेसिकली एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स स्टैटिस्टिक्स आर अ नंबर ऑफ फैक्ट्स सिंगल एंड आइसोलेटेड फिगर्स आर नॉट स्टैच जब मैं कोई भी एक सिंगल नंबर सिंगल डिजिट की बात कर रही होती है अब चार बच्चों की बात करती हूँ क्लास में ए बी सी डी ओके आई टॉप दैट सपोज ए गेट्स हंड्रेड रुपीज एज पॉकेट मनी बी गेट्स फाइव हंड्रेड सी गेट्स थ्री हंड्रेड एंड डी गेट्स एट हंड्रेड So when I am talking about these four individuals, so I am making an aggregation. I am talking about different set of individuals. So it's basically an aggregate of facts. If I have that A's pocket money is 100, then it makes no sense as for plural definition. Plural definition says that we don't deal with individual and isolated figures. For example, a single age of 30 years is not statistics but a series.

So, data, numerical figures are influenced by a variety of factors. Example statistics of production of rice. अब आपको देखना है कि राइस का प्रोडक्शन कितना जा रहा है सो so, आप सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि रेनफॉल कितनी हुई है आप ये भी देखेंगे कि रेनफॉल के अलावा आप कौन से फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं आप कौन सी सीड्स यूज कर रहे हैं आपका मेथड ऑफ़ कल्टिवेशन क्या है क्या लेबर इंटेंसिव है कैपिटल इंटेंसिव है वेदर कंडीशन क्या रहेंगी सो यू सी यू ऑब्जर्विंग अ नंबर ऑफ कॉजेज दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ राइस सो इट इज़ अफेक्टेड बाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस Statistics of production of rice is affected by rainfall, fertilizers, method of cultivation, etc. So, effect of one factor cannot be studied by ignoring the other. You cannot just take one factor into consideration. You have to see a number of factors that are affecting the production of rice. So, we will two points in plural definition. First one, it is an aggregate of facts affected by multiplicity of causes. Third point, statistics are numerically expressed. या हमने अभी ऊपर भी पढ़ा जब हम अपने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे थे कि जो वेरिएबल जो डेटा हमारे नंबर्स में एक्सप्रेस हो सकता है हम सिर्फ उसी डेटा को लेते हैं और क्वालिटेटिव डेटा को हम इग्नोर कर देते हैं द स्टैटिस्टिक्स अप्रोच टू अ सब्जेक्ट इज न्यूमेरिकल सो एनी फैक्ट टू बी कॉल्ड एंड स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी न्यूमेरिकली एंड क्वान्टिटेटिवली एक्सप्रेस क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी इग्नोर्ड सो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ऑन Characteristic like intelligence, all these characteristics can be ignored. So, we only take quantitative data and the data which can be expressed in terms of numbers. Coming to a fourth point of plural definition, statistics should be collected in a reasonable and reasonable standard of accuracy. So, always take into consideration that while you are collecting the data, you should be exercising the most reasonable standards of accuracy in statistics data is collected with reasonable standard of accuracy high degree of accuracy is not insisted as mass of data is इन्वॉल्व हम ये क्यों नहीं कहते दैट इट शुड ऑलवेज इन्वॉल्व हाईस्ट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी लाइक जस्ट लाइक मैथ्स और जस्ट लाइक अकाउंट्स बिकॉज वी कैन नॉट से दैट बिकॉज मैथ्स और अकाउंट्स बहुत ही लिमिटेड होता है बट स्टैटिस्टिक्स को आप देखेंगे अभी तो यहाँ आप छोटे छोटा डेटा देखते हैं बट जब आप ओवरऑल स्टैट्स को किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे तो इट्स अ मास ऑफ डेटा आप उसमें कभी भी उतनी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं ला सकते बट यू शुड ऑलवेज मेंटेन सम रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी So, that is what this point is saying that we cannot expect a high degree of accuracy. We highest level of accuracy, expect kar sakte, but we should always exercise some reasonable assurance of accuracy. So, for example, when we say that 60 students were present in a class, we are enumerating the number of students present in the class but when the news channels say that about 5,000 people in the, were in the rally, that is just an estimate. so that is not reasonable assurance of accuracy. but well, like general estimates, say, okay, so 5,000 people were present in the rally. 1,000 people were affected because of the earthquakes. so they're not going and counting the number of people. they're just making an estimate. okay? so statistics should be collected with reasonable accuracy. नेक्स्ट पॉइंट दैट्स इज स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटर्मेंट पर्पज जब भी आप कोई भी स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करते हैं तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि यू हैव टू कम डाउन टू अर कंक्लूजन यू हैव टू कंक्लूड समथिंग आउट ऑफ इट राइट सो स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटर्मेंट पर्पज Data collected in an in an unsystematic in an unsystematic manner and without complete awareness of the purpose will be confusing and cannot be made on the basis of valid conclusion. So you should always have a predetermined purpose and you should always be able to collect data, data in an organized manner and taking into consideration the purpose for which you are collecting the data. Statistics are collected in a systematic manner.

so coming to our next point that is our last point of the plural definition it says that statistics should be placed in relation to each other that is the data you are collecting it should be comparable so for example you cannot compare the height of a man to the height of a tree यू रियली कैन डू दैट दैट मेक्स नो कंपेरिजन दैट मेक्स नो सेंस एट ऑल क्योंकि हाइट ऑफ अ मैन का मैन या हाइट ऑफ वूमन से कंपेयर कर सकते हैं बट हाइट ऑफ अ मैन को आप हाइट ऑफ अ ट्री से तो बिल्कुल नहीं कंपेयर कर सकते सो स्टैटिस्टिकुड भी प्लेसड इन रिलेशन टू ईच अदर स्टैटिस्टिकल डेटा इज जनरली कलेक्टेड विदिव टू कंपेयर डेटा मस्ट भी होमोजीनियस सो हाइट ऑफ अ मैन के नॉट भी कंपेयर विद द हाइट ऑफ अ ट्री दीज फिगर्स आर हेट्रोजीनियस तो आप देख रहे होंगे जो एग्जाम्पल्स मैं आपको देती जा रही हूँ वो सब एग्जाम्पल्स आपके नोट्स में लिखे हैं तो आपको उस टाइम जल्दी जल्दी नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है आप वीडियो पॉज करेगा और आप अपने नोट्स को लिस्ट डाउन कर लीजिएगा सो so, ये हमारे पॉइंट्स थे जो कि हम मेरी प्लूरल डेफिनेशन भी बना देते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक भी बना देते हैं फटाफट पॉइंट्स को एक बार रिविजन में लेते हैं ओनली द की दॉइंट्स यू ऑल्स अलॉन्ग विद मी सो इन द द्लूरल स्टैटिस्टिक्स इज एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट्स इट इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस

तो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जो कि हमारा था स्टैटिस्टिक्स इन द सिंगुलर सेंस तो सिंगुलर सेंस क्या कहता था कि स्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली द मेथड ऑफ डीलिंग विद ऑल दिस डेटा क्या कह रहा था कि दैट इट इज द एग्रीगेशन ऑफ ऑल दिस डेटा बट सिंगुलर कह रहा है इट इज द मेथड कि किस तरीके से आप ये जो सारा डेटा आपने इकट्ठा किया उससे डील करेंगे सो स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस मे बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन presentation analysis and interpretation of numerical data so it is basically collection organization planning analysis and interpretation please repeat it with me once collection organization presentation analysis and interpretation of data so it makes the five terms of five split so what is collection of data it is the main and the first step द टेक्निक कलेक्शन ऑफ डेटा डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द तो जब तक आप डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते आप उसको एनालाइज क्या ही करेंगे जब तक डेटा नहीं होगा तब तक कोई एनालिसिस नहीं होगा सो इट इज द फर्स्ट एंड द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स दलैक्शन ऑफ डेटा नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा द डेटा इज ऑर्गेनाइज इन अ प्रॉपर फॉर्म विच इन्वॉल्व एडिटिंग एंड

the data is presented in some suitable manner in the form of text, table, diagram or some graph. so after you have organized the data, this data, in a suitable form, present, kar sakte hain, which may be a bar graph, which may be a pie chart, which may be in the form of text. so you have to present the data so that the user and you yourself can view it in a very organized and a systematic manner. coming to the fourth point, analysis of data. After the above step, analysis is done with the help of simple mathematical techniques like measure of central tendency, measure of dispersion and correlation etc. तो जब आपने डेटा को प्रेजेंट कर दिया अब नेक्स्ट आपके लिए क्या आता हाँ है कि उस डेटा को एनालाइज करना तो एनालाइज कौन से टूल से होता है एनालाइज स्टैटिस्टिकल टूल से ही होता है जैसे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो कि हमारे मेन मीडियम मोड की बात करता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन को और वेरिएंसेस ये सारे टूल्स हम आपके आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे एंड बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी सो आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वी डू एनालिसिस ऑफ डेटा नेक्स्ट काम द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा जब आपने डेटा को एनालाइज कर लिया स्टैटिस्टिकल टूल से आपने नंबर्स निकाल लिए अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उन नंबर्स को इंटरप्रेट करो सो दैट यू कैन कम टू एन अप्रोप्रियट कंक्लूजन जिस पर्पस के लिए आपने पूरी स्टडी करी थी उस पर्पस के लिए उस स्टडी को एक कंक्लूजन देने के लिए यू हैव टू इंटरप्रेट द डेटा सो इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड्स द फाइनल कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द एनालाइज डेटा

तो ये हमारा था मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स अब कमिंग नेक्स्ट हमें जानना है कि स्टैटिस्टिक्स क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है कौन से एरिया में उसकी इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन क्या है तो फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट आता है टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स ये अभी हमने पहले भी पढ़ा कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है इट इज अ मास ऑफ डेटा द इज अज अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज यूजिंग द स्टैटिस्टिकल यूजिंग द स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन टूल्स ऑल्सो वी कैन सिंप्लीफाईल दिस कॉम्पलेक्स डेटा सो स्टैटिस्टिकल मेथड्स ट्राई टू प्रजेंट द ग्रेट मास mass of complex data into simple and understandable form

So I am giving you a very vague form. Ki price hai. We, all, we all know that the price of tomato ka. But agar main aapko that the prices of tomato have risen by 10% from the previous price. So I am giving you a precise number. I am telling you exact rahi percentage which you might not know. So statistics basically helps to present the facts in a definite form. Next is it helps to make a comparison of the facts.

सो फॉर एग्जाम्पल द पर कैपिटल इनकम और डेवलपिंग कंट्री में नॉट बी अ मच यूज अनलेस वी नो द पर कैपिटल इनकम ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री और कोई डेवलपिंग कंट्री का हम पर कैपिटल इनकम देखते हैं और उसको आइसोलेटेड फॉर्म में देखते हैं तो हम कहेंगे ठीक है इतनी है पर कैपिटल इनकम क्या फर्क पड़ता है उससे अब अगर हम इसको कोई डेवलप्ड कंट्री के उससे कंपेयर करेंगे सो वी विल बी एबल टू ऑब्जर्व कि हम उस डेवलप्ड कंट्री से अभी कितना नीचे हैं

स्टैटिस्टिकल टूल हेल्प मेकिंग प्रोजेक्शन फॉर द फ्यूचर सो फ्यूचर प्रोजेक्शन के लिए जैसे मैंने आपके साथ पहले भी एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि वेदर डिपार्टमेंट जो है वो लास्ट पीरियड की रेनफॉल्स को ऑब्जर्व करता है वेदर्स को ऑब्जर्व करता है एंड देन उसके बेसिस पे वो एक फ्यूचर प्रोडिक्शन देते हैं सो इट हेल्स इन फोकास्टिंग कमिंग टू आर सिक्स पॉइंट इट हैल्स इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथिस अब हाइपोथेसिस का टर्म का मतलब आप पहले समझिए कि हाइपोथेसिस होता क्या है तो सपोज एक कंपनी को अपने प्राइसेस बढ़ाने हैं आप कंपनी ले लीजिए कोई भी कंपनी जो पेन्स बना रही है उसको पेन का प्राइस टेन से फिफ्टीन दे करना है तो वो पहले देखेगी कि अगर मैं ये प्राइस इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो कितनी एक्सटेंड तक अफेक्ट हो जाएगी क्योंकि अनलेस एन वो प्रोडक्ट की डिमांड को स्टडी नहीं करेगा ही कैन नॉट इंक्रीज द प्राइसेस सो हाइपोथेसिस इज बेसिकली एनालाइजिंग द सिचुएशन कि दे एनालाइज दैट इफ द प्राइज ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेज हाउ इज़ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट गोइंग टू गेट

बढ़ेगा सो हाइपोथेसिस इसमें हेल्प करता है तो so, ये आपके फंक्शंस थे ऑफ स्टैटिस्टिक्स सो स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है इट हेल्प टू सिंप्लीफाइड द डेटा देन नेक्स्ट वी स्टडीड इट गिव्स अ डेफिनेट फॉर्म थर्ड वी स्टडेड इट हेल्प टू मेक अ कम्पेरिजन देन वी स्टेड दैट इट हेल्प्स टू फैसिलिटेट एंड मेक पॉलिसीज देन इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग एंड द लास्ट पॉइंट इट हेल्प्स इन हाइपोथेसिस So, ये आपके फंक्शन थे के। so, moving on to our next topic. अब हम पढ़ते हैं कि statistics. कि ऑफ कौन से आता है स्टैटिस्टिक्स इज इम्पोर्टेंट टू देन इट इज इंपोर्टेंट टू गवर्नमेंट देन इट इज इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स एंड द लास्ट इट इज इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट सो गवर्नमेंट कलेक्ट अमाउंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर वेरियस स्टैटिस्टिक गवर्नमेंट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन टू फुलफिल द वेलफेयर ऑब्जेक्टिव इन एडिशन टू द रनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वेरियस पोलिटिकल ग्रुप्स आर ऑल्सो गाइडेड बाई द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रिगार्डिंग दॉपुलरिटी इन मासस So government, is that, is the largest, basically the largest organization that collects a lot of statistics for its purpose. Because it has to see that our GDP is rising. It has to make a comparison to the other nation. Then it has to see the public policies also. So these organize, government has various organizations which keep on collecting data and keep on just analyzing the data. सो गवर्नमेंट कलेक्ट द लार्जेस्ट अमाउंट आप देखेंगे हैं कि लास्ट टाइम कितने लोगों ने एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए वोट करा था ये पार्टी वहां पे कितने वोट से जीती थी सो दे ऑल्सो एनालाइज देशन वोट एवरी थिंग सो देस्टिकल डेटा नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स अब इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है सो इट इन फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज इकोनॉमिक लॉज मतलब जैसे कि मेरे डिमांड और सप्लाई के लॉज कोई भी जैसे द फेमस लॉ ऑफ डिमांड एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैव बीन डेवलप्ड बाय द इंडक्टिव मेथड ऑफ जनरलाइजेशन व्हिच इज आल्सो बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स सो इकोनॉमिक लॉज को फॉर्मुलेट करने में स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है कैसे कि अगर सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन स्टडी कर रही है इट्स डिमांड एट डिफरेंट प्राइजेस तो वो देखेगा कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है डिमांड फॉल डाउन कर रही है सो so, हमने इसे लॉ कैसे बना दिया हमने कहा कि एज एंड वेन द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेज इट्स प्राइजेज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट विल फॉल एंड पीपल विल मूव टू सम अदर प्रोडक्ट और विल सब्सिट्यूट द प्रोडक्ट सो इट हैज फॉर्मुलेशन ऑफ द इकोनॉमिक लॉज

So economic planning is important for achieving faster rate of growth through the best use of nation's resources. Using statistical techniques, it is possible to assess the amount of various resources available in the economy and accordingly determine whether the specified rate of growth is sustainable or not. सो वॉट इज इट से हम स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से मेजर करते हैं कि हमारे नंबर ऑफ रिसोर्स इन द इकोमी कितने हैं एंड हाउ दिज अवेलेबल रिसोर्स कैन बी यूज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर ग्रोथ रेट इज सस्टेनेबल और इट इज इंक्रीजिंग हम कहीं ऐसा तो नहीं करें कि अपने रिसोर्सेज को डिट्यटिंग फॉर्म में यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रहा है सो स्टैटिस्टिक्स इन मेकिंग एन इकोनॉमिक प्लानिंग Statistical analysis of data regarding an economy may reveal certain crucial areas like increasing rate of inflation which may require immediate action so basically that is saying that uh, we uh, study basically some crucial areas using statistical tools and these areas might require our most important attention so the crucial areas are studied with the help of statistical tools ज द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स तो आप लोग इसको वीडियो को एक सेकेंड पॉज कर लीजिएगा और ये नोट्स को राइट डाउन कर लीजिए सो कमिंग टू अथ पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स सो वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस सो फॉर एस्टेब्लिशिंग बिजनेस यूनिट्स

फॉर मेकिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड फॉर द प्रोडक्शन प्लानिंग सो बिजनेस में स्टैटिटिक्स हर एक एरिया में हेल्प करता है बी इट योर प्रोडक्शन आपको देखना होगा कि कौन से गुड की डिमांड सबसे ज्यादा मार्केट में चल रही है एंड आपको अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज मोस्टली उस गुड पर इंप्लाय करनी होगी मार्केटिंग की बात करें तो हम देखते हैं कि कौन सी मार्केट्स में मेरा प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रहा है कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा शेयर लेके जा रहा है उस मार्केट में कि अगर एक मार्केट में मैं दो प्रोडक्ट सेल ऑफ कर रही हूं तो कौन से प्रोडक्ट का ज्यादा डिमांड है कौन से प्रोडक्ट so अच्छा, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ डिफेक्ट ज्यादा आ रहे हैं प्रॉबेबली इसकी रिटर्न कस्टमर से ज्यादा आ रही है सो देर इज डिफेक्ट इन द मेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट सो इट हेल्प्स इन बेसिकली मेकिंग क्वालिटी प्राइस करने से प्रोडक्ट की डिमांड कितनी फॉल हो रही है कितनी इंक्रीज हो रही है अगर मैं प्राइस को प्रोबेबली थोड़ी पॉजिटिव से गिराऊं तो प्रोडक्ट की मेरी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस इन ऑल द एस्पेक्ट्स तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिए अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है ऑफ द इंट्रोडक्शन चैप्टर विच इज लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इसको हम बहुत ही ऊपर से एक ओवरव्यू लेंगे बिकॉज ये आपकी बुक्स में इतनी डिटेल में है नहीं बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आईव इंक्लूडेड इन द नोट्स सो लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इट डज नॉट इन्वाल्व क्वालिटेटिव फिनोमिना हमने पढ़ा था दैट इट डज नॉट टेक इन टू कंसिडरेशन द क्वालिटी वेरिएबल्स लाइक ऑनस्टी ब्यूटी इंटेलिजेंस एक्सेट्रा स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल इट डील्स विद्रीगेशन इट डील्स विद ऑफ डेटा देन स्टैटिस्टिक्स कैन भी मिसयूज अगर आपको डेटा को ईजी uh, बहुत अच्छे से एनालाइज करना नहीं आएगा तो so आप उस डेटा को मिसयूज भी कर सकते हैं आप गलत एवरेज निकाल सकते हैं आप उनका गलत इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं देन स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन सम्रोक्सीमेट और सम प्रॉबिलिटीज सो दीज लॉज आर नॉट एग्जैक्ट ओनली एक्सपर्ट कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स Lehman cannot make the best use of statistics because he will not know the different statistical techniques. So only if you are an expert in the statistics, then you can make the best possible use. Statistical data should be uniform and homogeneous. We have that height of a man, height of a tree se nahi compare? Ho because this data is heterogeneous. It is not homogeneous. So the data which you are comparing, which you are analyzing, should be homogeneous. Then there's this question that's in your book also, and this statement has been given in the back question also that the statistical methods are no substitute for the common sense. So there's this story that they have given to prove this point, which basically says that once a family was crossing a river. So river ki height suppose kariye, aap hogi 175 centimeter. सो द फैमिली विच इन्वॉल्व द फादर द मदर एंड टू चिल्ड्रेन सो दे वॉन्टेड टू क्रॉस दैट रिवर सो द फादर न्यू द हाइट ऑफ द रिवर उन्होंने सोचा अच्छा इसकी डेप्थ जो है मेरी वन सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर है एंड मेरी फैमिली की एवरेज हाइट उनकी वाइफ की बच्चों की तो और उनकी खुद की हाइट जो वो बन रही है 177 सेवेंटी सेवन सेंटीमीटर सो ये कि हमारी एवरेज हाइट बन रही है 177 सेवेंटी सेवन सेंटीमीटर और जो रिवर है उसकी एवरेज निकल रही है 175, सेवेंटी फाइव सो दैट मींस आर हाइट्स आर ग्रेटर सो वी कैन ईजिली क्रॉस द रिवर बट वॉट हैपन्स दैट दिल्ड्रेन द ड्राउंड वाई बिकॉज जो बच्चों की हाइट थी हमने एज एन एवरेज में उसको ले लिया बट हमने ये नहीं देखा कि बच्चों की इंडिविजुअल हाइट जो थी वो वन सेवेंटी फाइव से बहुत कम थी सो दैट इज वाई दे ड्राउंड सो देर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी विच विल जस्टिफाई दिस व्यू पॉइंट वंस अ फैमिली और फोर पर्सन वॉज सेट आउट टू क्रॉस द रिवर The father knew that the average depth of the river, so he calculated the average height of the family members. Since the average height of his family member was greater than the average height of the river, so he thought that they could cross the river safely, and consequently, some of the family members, which were children, they drowned without crossing the river. In the given case, the fault is not with the statistical method of calculating average but with the misuse of the average. He could not interpret the use of the average. He could not interpret that it that is an average. It is not an individual figure that is assigned. So, he could not basically use it in a proper manner. The statistics has been misused by the father as he has uh, drawn a wrong conclusion. So, it is rightly said that even though you have the statistical tools, but you need to use some common sense along with it because he had to see that the children are much smaller, the children's height. Is less than the height of the river, so they were obviously drowned. The average would not come into picture in this entire scenario. So it is important that if you are using the statistical uh, tools, you have uh, applied some amount of common sense along with it to make its proper analysis. So here our first chapter ends, which is basically the introduction chapter, which tells you about what is economic. It gives you the four definition. It bifurcates the economic and the non-economic activity. Then we had studied. About statistics, the definitions that is the plural definition and the singular definition. Then we had come down to the function of statistics, which basically are used to simplify the facts, to make comparisons, to give you a definite form. And then we did the importance of statistics, which were primarily in four areas. The first one being government, the second being economics, the third being economic policies, and the fourth being business. And then we studied the limitations and a statement that's given in your book that statistics has to be used along with common sense and it has no substitute for common sense. So here basic introduction chapter tha. Aapko is a छोटे मार्क्स like का आ सकता है लाइक टू मार्क्स का आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो ये चैप्टर आपकी स्टैट्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को फॉर्म करने के लिए था कि आप स्टैट्स पढ़ क्यों रहे हैं बिकॉज एंड अनलेस आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाएगा सो ये एक ओवरव्यू चैप्टर था हम हमारी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर टू दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा सो जस्ट गो होम एंड गिव अ रीड टू योर नोट्स सो दैट ऑल दीज कॉन्सेप्ट दे जस्ट बिल्ड अप इन योर माइंड एंड आपको एक ओवरव्यू याद रहे सो आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास अटेंटिवली एंड जस्ट मेक श्योर दैट यू रिवाइज ऑल द पॉइंट एंड कम टू द नेक्स्ट क्लास थैंक यू सो मच